अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी नहायत ही आसान तरीके से और इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ होंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है घी। घी को गर्म करके इसमें मैंने डाल दिया है बारीक बारीक प्याज और मैंने मैक्रोनी इसमें आलू डालकर दोनों को एक साथ बॉयल कर लिया था। और जब ये प्याज हल्का सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, बारीक बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डाल दूँगी। इसके अंदर मैं डालूंगी अब आधी चम्मच नमक और लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डालूंगी। लाल मिर्च की जगह काली मिर्च चलती है बट मेरे पास वो नहीं थी इसीलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सिरका और सिरका जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का कर देता है। वैसे इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डलता है बट मेरे पास अभी सिर्फ सिरका है। सिरका डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मैक्रोनीस और उबले हुए आलू डाल दूंगी और इनको जो है ना मैं मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इस टाइम पे आकर यहाँ पर वेजिटेबल्स डलती हैं जैसे गाजर होगी, शिमला मिर्च होगी, बंद गोभी और ये चीज़ें, चिकन भी इसमें डलता है। बस मेरे पास अभी इस वक्त सिर्फ थे प्याज, टमाटर, आलू और मैक्रोनीस थे तो उसी से मैंने मैक्रोनीस बनाया। और इसके अंदर मैं डालूंगी केचप। केचप से इसका रंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा यानी कि अट्रैक्टिव हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल ही वाइट तो नहीं बंदा खा सकता। तो इसलिए जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर केचप। तो अब मैं इनको मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद हल्का सा दम्पर लगा दूंगी ताकि ये सारा मसाला मैक्रोनीस के अंदर जज्ब हो जाए, स्टीम हो जाए। और उसके बाद हमारी मैक्रोनीस रेडी है। आप चाहें तो इसको जो है ऐसे भी जो है ना खा सकती है या इसमें आप अपनी मर्ज़ी से बेशक वेजिटेबल भी ऐड कर लें। बस अभी मेरे पास अभी यही कुछ था इसलिए मैंने यही डाला है और गुजारा किया है क्योंकि आजकल महंगाई का बड़ा दौर है। तो बस आप जो है ना आज के दौर में इस तरह से भी मैक्रोनीस का मज़ा उठा सकते हैं, महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं। तो इंजॉय करें इस मैक्रोनीस को और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कैसे बनी है। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इन बच्चों के शोर से माजरत, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है।